हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एनिलिडा के बारे में। ये बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड हायर कॉर्डेट हायर इन्वर्टिब्रेट्स का पेपर है, जिसकी फर्स्ट यूनिट का ये टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे एनिलिडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी इस फाइलम के जो सामान्य लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो शब्द एनिलिडा है वो बना है लैटिन वर्ड एनिलस से, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग। आप लोगों ने अर्थ फॉर्म तो देखा ही होगा, तो उसकी बॉडी पे हमें ऐसा लगता है कि उसे पूरी बॉडी में छोटे छोटे छल्ले या रिंग्स बने हुए हैं। तो इस तरह के इस फाइलम के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी एक्सटर्नली देखने पर छोटे छोटे रिंग्स से मिलकर बनी हुई लगती है। तो इसी रिंग्स की प्रेजेंस की वजह से इस फाइलम का नाम एनिलिडा पड़ा है। इस फाइलम के अंतर्गत लगभग 1200 स्पीशीज़ आती हैं, जिन्हें तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। ये क्लासेस हैं पॉलीकिटा, ओलिगोकिट्स और हिरुडिनिया। और ये अगर हम वर्म्स की या कृमियों की बात करें तो ये कृमियों के जितने भी डिफरेंट फाइलर्स के अंदर अलग अलग कृमि पाए जाते हैं, उनमें से ये सबसे एडवांस टाइप के कृमि माने जाते हैं। तो अब बात करते हैं एनिलिडा फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स की। तो जनरल कैरेक्टर्स की जब भी हम बात करते हैं, हम शुरुआत करते हैं कि वो एनिमल पाया कहाँ जाता है, यानी उसका हैबिटेट क्या है। तो अगर हम बात करें एनिलिडा की, तो ये कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, यानी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। और ये एक्वेटिक और टेरिस्ट्रियल दोनों तरह के वातावरण में मिलते हैं। एक्वेटिक वातावरण की बात करें तो ये मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों तरह के हैबिटेट में मिलते हैं। जैसे हम जानते हैं कि नीरीज है वो पानी में पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम अर्थ फॉर्म की बात करें तो वो मिट्टी में रहता है। अगर हम लीच की बात करें तो वो पॉन्ड्स वगैरह के अंदर मिलती हैं। तो ये हर तरह के एनवायरनमेंट में, यानी फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर और टेरिस्ट्रियल, तीनों तरह के हैबिटेट में एनिलिडा के मेंबर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हैबिट, यानी जिस एनवायरनमेंट में ये पाए जाते हैं उसमें ये रहते किस तरीके से। तो ये बोरोइंग नेचर के भी हो सकते हैं, यानी ज़मीन के अंदर बिल खोद कर भी रह सकते हैं। ये अपनी बॉडी के सिक्रीशन से कुछ ट्यूब्स की फॉर्मेशन करते हैं, उन ट्यूब्स के अंदर भी रह सकते हैं। यानी ये सेडेंट्री और फ्री लिविंग दोनों नेचर के होते हैं। सेडेंट्री मतलब किसी आधार से जुड़ा होना, जिसमें कि ये मुक्त रूप से इधर उधर घूम नहीं सकते। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो सेडेंट्री नेचर भी शो करते हैं और फ्री लिविंग नेचर भी शो करते हैं। इसके अलावा ये कॉमेंसिलम, यानी एक दूसरे के साथ यानी ग्रुप में रहना, और साथ ही साथ पैरासिटिक नेचर यानी परजीवी प्रकार के भी होते हैं। परजीवी का एग्जाम्पल हम जानते ही हैं कि जोंक जो है वो एक पैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट। नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टर्स के ऊपर जाएं तो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये जीव है वो किस स्तर का है। अगर हम जीवों के स्तर की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोटोजोआ, वहाँ पे हम प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, यानी जीव जो है वो प्रोटोप्लाज्म से बना हुआ है। फिर हम पैराजोआ या फिर पॉरीफेरा वगैरह के अंदर आते हैं तो हम कहते हैं कि वो सेल से बन के बना हुआ है। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे हम क्लासिफिकेशन में हायर फाइला की ओर जाते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे अगर हम एनिलिडा की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी इसकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं और कई ऑर्गन्स मिलकर डिफरेंट सिस्टम, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस तरह के सिस्टम्स की फॉर्मेशन करते हैं। बात करें सिमिट्री की तो ये बायलेटरल सिमिट्री शो करते हैं, यानी इसकी बॉडी में सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन है जिससे अगर हम इनको कट करें तो हमें दो मिरर इमेजेस मिलती हैं। नेक्स्ट आता है इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस में बॉडी वॉल। इसकी कंप्लीट बॉडी जो होती है वो क्यूटिकल से कवर रहती है एनिलिडा के मेंबर्स की, और इस क्यूटिकल का जो सिक्रीशन है, क्यूटिकल के जस्ट नीचे प्रेजेंट जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बॉडी वॉल के अंदर डिफरेंट है मसल्स भी पाई जाती हैं, यानी सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं। सर्कुलर मसल्स जो होती हैं मोटाई को बढ़ाने या घटाने का काम, और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो होती हैं लंबाई को बढ़ाने या घटाने का काम करती हैं। फिर आता है इसके जो नेक्स्ट कैरेक्टर है एनिलिडा का, वो है इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। हमने पहले ही कहा था एनुलर जो इसका नाम है एनिलिडा, वो एनुलर से बना है, यानी छोटे छोटे रिंग्स। तो एनिलिडा के मेंबर्स की कंप्लीट बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है, और ये सेगमेंटेशन जो होता है सिर्फ एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल भी होता है। यानी अगर हम इसकी बॉडी को ओपन करें तो अंदर से भी हमें पूरी बॉडी जो है छोटे छोटे चैम्बर्स के अंदर डिवाइड नज़र आती है, और इन चैम्बर्स को हम मेटामेयर्स कहते हैं। फिर आता है कि इनकी बॉडी जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक शब्द का मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो तीन जर्म लेयर्स से बनते हैं, यानी हमारे पास तीन तरह की जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट ऑर्गन्स कितनी जर्म लेयर से मिलकर बने हैं उसके आधार पर हम उसको
नाम देते हैं कि वो डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो अगर हम एनिलिडा की बात करें तो इसके मेंबर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इसकी बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो तीनों लेयर्स यानी आउटर एक्टोडर्म, मिडल मीजोडर्म और इनर एंडोडर्म से मिलकर बनती हैं। जैसे यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बाहरी जो आउटर लेयर है जो ब्लू कलर में नज़र आ रही है वो है इसकी एक्टोडर्म, इनर जो मिडल में है वो पिंक ऑरेंज कलर में जो हमें नज़र आ रही है डबल लेयर वो है मीजोडर्म और अंदर येलो कलर का एंडोडर्म प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है सिलोमेट्स, यानी किस तरह की सिलोम इसके अंदर पाई जाती है। अगर हम सिलोम की बात करें तो सिलोम की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेस पर हम एनिमल्स को तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, ए सिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट और यू सिलोमेट। तो एनिलिड्स जो होते हैं वो ट्रू सिलोमेट्स या फिर यू सिलोमेट्स कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी इनके अंदर ट्रू सिलोम पाई जाती है। और ट्रू सिलोम से हमारा मतलब क्या होता है, ऐसी सिलोम जो अपनी दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइन हो। तो आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि बाहर की ओर एक्टोडर्म, भीतर की ओर एंडोडर्म प्रेजेंट है, इसके बीच में जो कैविटी है वो दोनों तरफ से येलो कलर की मीजोडर्म से लाइंड है। तो जब सिलोम दोनों तरफ से यानी अपने अंदर और बाहर दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड होती है तो इस तरह की जो सिलोम होती है उसको हम ट्रू सिलोम कहते हैं और इस तरह के मेम्बर्स को सिलोमेट्स कहा जाता है। और अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इसका डेवलपमेंट शाइजोसिरस प्रकार का होता है, यानी मीजोडर्म की से जो सिलोम का फॉर्मेशन है वो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से होता है। और इसके अलावा एनिलिड के मेंबर्स के अंदर ये जो कंप्लीट सिलोम होती है वो एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर ना होकर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है और इनका जो डिवाइडेशन है वो सेप्टा के थ्रू होता है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं, यानी सिलोमिक कैविटी के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। और यह सिलोमिक फ्लूइड जो होता है वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की फॉर्मेशन करता है जो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है और साथ ही साथ इसको लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टर है लोकोमोशन। एनिलिडा के मेंबर्स के अंदर जो लोकोमोशन है उसके लिए बेसिकली तीन तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं जो हेल्प करती हैं, पहला है सीटी, दूसरा है मसल्स और तीसरी स्ट्रक्चर आती है इसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। सीटी की अगर हम बात करें तो पूरी कंप्लीट बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो कई बार स्ट्रक्चर में सॉफ्ट लेकिन ज़्यादातर जो है काइटिन की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, इसलिए हार्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये ज़मीन को धंस जाती हैं, ज़मीन में धंस के उसको पकड़ने का काम करती है। तो लोकोमोशन के अंदर इसको हेल्प मिलती है। इसके अलावा दो तरह की मसल्स पाई जाती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो होती हैं लंबाई को कम या ज़्यादा करने का काम और सर्कुलर मसल्स जो होती हैं मोटाई को कम या ज़्यादा करने का काम करती हैं। इसके अलावा सिलोमिक कैविटी के अंदर भरा हुआ हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है वो एक हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की फॉर्मेशन करता है जो कि लोकोमोशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है मूवमेंट। तीन तरह की मूवमेंट पाई जाती है, बॉरोइंग मूवमेंट है, क्रॉलिंग है और इसी के साथ साथ स्विमिंग है। जो बॉरोइंग है यानी जब मिट्टी में वो धंसना चाहता है, यानी एनिलिडा के मेंबर्स जब मिट्टी में धंसना चाहते हैं तो वो अपने सिर को या फिर जो अपना एंटीरियर एंड होता है उसको मिट्टी में धंसाकर फिर अपनी बॉडी की जो प्रसंचक मूवमेंट होती है उसके थ्रू वो मिट्टी में अपने आप को धंसाते हैं। क्रॉलिंग के लिए भी ये जो है अपने पैरापोडिया और साथ ही साथ सीटी का इस्तेमाल करती है। और स्विमिंग के लिए अंडुलेटिंग मूवमेंट्स होती हैं, यानी एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर जब पॉलीकिड्स और लीचेस जो होती हैं जब वो स्विम करना चाहती हैं तो अंडुलेटिंग मूवमेंट बॉडी की वो शो करती हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। एनिलिडा के मेंबर्स के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, यानी एक टिपिकल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जिन ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है या जिन ऑर्गन्स के प्रेजेंस होना आवश्यक है वो सभी इसके अंदर पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाता है और इसमें सभी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। मेन है इसमें फेरिंग्स है, क्रॉप है, गिजर्ड है और इंटेस्टाइन है। जो क्रॉप है वो फूड को स्टोर करने का काम करता है, गिजर्ड जो है वो फूड को ग्राइंड करने का यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करेगा, फेरिंग्स जो है वो भोजन को खाने को सक करने का या अंदर लेने का काम करती है और इंटेस्टाइन के अंदर मेन डाइजेशन का और साथ ही साथ फूड के एब्जॉर्प्शन का काम होता है। अगर हम इसका सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो एनिलिडा के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी इनका जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन और इथ्रोक्विनिन दोनों टाइप के ही पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट, लेकिन ये सेल्स के अंदर बनना होकर प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में रहते हैं। और जो मेन ब्लड वेसल्स हैं वो डॉर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल्स होती हैं। हार्ट जो है वो दो से लेकर स्पीशीज टू स्पीशीज वैरी करते हुए अलग अलग नंबर्स में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें एनिलिडा में रेस्पिरेशन की तो रेस्पिरेशन के लिए कोई खास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। जनरल बॉडी सरफेस जो कि काफ़ी मॉइस्ट होता है बॉडी म्यूकस की प्रेजेंस की वजह से
उसी में डिफ्यूजन के थ्रू इसके अंदर रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट आता है एनिलिडा में एक्सक्रीशन। एनिलिडा में एक्सक्रीशन के लिए पर सेगमेंट के अकॉर्डिंग मेटानेफ्रिडिया जो हैं वो अरेंज होते हैं, यानी हर सेट पूरी कंप्लीट बॉडी होती है वो छोटे छोटे रिंग्स या सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है, इनको मेटामर्स कहते हैं। तो हर एक सेगमेंट के अंदर मेटानेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉडी कैविटी में तो नेफ्रोस्टोम से और बॉडी के बाहर जो है वो नेफ्रिडियो पोर्स के थ्रू खुलते हैं और इन्हीं नेफ्रिडियो पोर्स के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है एक्सक्रीटरी मटीरियल को। नर्वस सिस्टम की बात करें तो एक सिंपल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि एक नर्व रिंग और वेंट्रल नर्व कॉर्ड का बना होता है। नर्व रिंग जो है इसकी ब्रेन की फॉर्मेशन करती है और नर्व रिंग जो है वो इसके वेंट्रल सरफेस पर पूरी लंबाई में पाई जाती है और प्रत्येक सेगमेंट के अंदर इस नर्व रिंग से गैंग्लियास की फॉर्मेशन होती है और इनसे डिफरेंट नर्व्स निकलती है जो डिफरेंट रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स को जाती है। सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो एनिलिडा के मेंबर्स में इनके एनवायरनमेंट और इनकी नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे आइज हैं, टैक्टाइल ऑर्गन, कीमोरिसेप्टर्स, टेस्ट बड्स, स्टेटोसिस्ट, फोटोरिसेप्टर्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर रिप्रोडक्शन। जो एनिलिडा के मेंबर्स हैं वो मोनोशियस यानी हर्मेफ्रोडाइट और डायोशियस दोनों नेचर के होते हैं, यानी इनमें मेल फीमेल एक में भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकते हैं। और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप का होता है। अगर हम मोनोशियस एनिमल्स की बात करें तो डेवलपमेंट उनमें जो है डायरेक्ट प्रकार का होगा, यानी उनमें लार्वल फॉर्म नहीं पाई जाएगी, जबकि डायोशियस मेंबर्स के अंदर लार्वल फॉर्म जो है वो प्रेजेंट होती है। लार्वा जो होता है वो एक फ्री स्विमिंग ट्रोकोफोर लार्वा होता है जो कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के दौरान इसके अंदर बनता है। तो इस प्रकार ये सारे जो कैरेक्टर्स थे हमने बात की है एनिलिडा के, डिफरेंट जो मेंबर्स हैं, डिफरेंट रिस्पेक्टिव स्पीशीज के जितने भी मेंबर्स आते हैं उसके अंदर, उनमें कौन कौन से कॉमन कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एनिलिडा के क्लासिफिकेशन के बारे में। थैंक यू।